अबे बारिश से डरने लगा, अबे तू कैमरा क्या, तेरे कैमरा को संभाल रहा, तू झाड़ की बात कर रहा, इसको छाता दो भाई, बस क्या बोलना बोलो, हाँ सबका रोल, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ बोल। पहले खाली मेरे को तू धक्का मारते देगा, मैं जो लगाया वही नहीं गाड़ दूँ, तुम लोग भी मत गाड़ो भाई लोग, जरा हटके दुकान लगाओ, जिसका काम नहीं जरा हटके दुकान लगाना भाई, मैं जो सोल्जर है उनको रहने दो, आप लोग रहिए, आप नीचे जमीन पे ध्यान रख, आगे बोल झाड़ लगाने का ऊपर नहीं गया भाई मैंने, हिंदुस्तान पे ना दुनिया पे, सबका काम है लगाने का लगाओ, नहीं लगाने का तो मरो जल के, वही होने वाला है, अपन को अपने बच्चे के बच्चे का सोचने का ना, अपन तो आधा खबर में, बाकी भी तो आएंगे अपने पिल्लर तो आएंगे, पिल्लर का भी टाइगर बाबा है, मेरा टाइगर का भी एक छोटा टाइगर आएगा, आप लोग का आएगा, सबका टाइगर घर में है, तो समझा करो बड़ू, उनके लिए अपने को छोड़ने का, झाड़ पान खाना सही, पानी सही, हवा सही, बाकी के लोगों के दिमाग में जहर ऐसे ही कम हो जाएगा, ये सब कम हो गया तो, है ना बड़ू, दस बार आम सेंग, मेरे बोलने को नहीं आता है, जितना मैं बोल सकता हूँ बोल रहे बड़ू, यहाँ पे कोई ये नहीं, मैं तो सोचा भी नहीं, हाँ बड़ू मैं आते रहेंगे बुलाते रहो भाई, यहाँ आएगा तो कहीं बोलेगा हॉल्ट हॉल्ट, तीन हॉल्ट में खड़ा नहीं तो गोली मार देगा फिर। बाकी आप लोग आए बहुत दूर से आए मेरे प्रेस वाले, मेरे बच्चों खा पी के जाना, बारिश का मजे ले भाई, खंडाला रोते आने के लिए तुम लोग को ऑफिस से निकाल के इधर तक बुलाया है, झाड़ लगा के जाना, बारिश से डरना नहीं बाबा, ये इधर इसका फोटो देख, ये डर गया था, नहीं डरेंगे नहीं, नहीं छोड़ देंगे, तू बोल, तू तेरा चालू रख बेटा, हाँ हाँ जी, कोई शक ही नहीं है बड़ो, यंग इंडिया बोलते हैं, वही बेशक यंग इंडिया है, यंग इंडिया को ही लेना पड़ेगा ज़मीन अपने हाथ में, अगर ज़मीन से अनाज अच्छा आएगा, लोगों के पैर में दम आएगा, हमारे जवानों में और डबल चौबल दम आए हम चाहता है, पर किसानों को बहुत संभालना चाहिए इसके लिए, जो अपन खाते हैं वही अपन बनते है ना, तो अपने को ज़रा संभालना पड़ेगा, पहले अपने किसान भाई लोगों को बहुत प्यार से संभालना पड़ेगा, जितना कम हो सके स्ट्रॉन्ग खाना बनाओ, बीमार नहीं होना चाहिए, पानी के इतने लफड़े, अच्छा है लोग कई कई कोने में पानी का बम बम कर रहा है, बारिश आ रही है तो बारिश से डर रहा है बे आने दे, समझ आना बड़ू, मैं ज़्यादा पका हुआ नहीं, आप लोग सब समझदार है, सब लोग को बच्चा सबका है, सब शादी के लिए, सबके अक्कल के दाड़ आगे ले, तो तुम लोग और बच्चे लोग को संभालना है वो अपना काम है, जितने पुराने हम लोग बचे ले, बोलता हूँ कोई उपकार नहीं करता हूँ, यहाँ आके कोई उपकार नहीं किया, नेवल यार्ड है, इनकी इज्जत हमारी इज्जत, उन लोग नहीं अपुन नहीं, द रियल हीरोज। कहाँ जाना है अच्छा छोटे इधर से हार्ड ग्राउंड से ले जा रहा हूँ बॉस, जमीन पे नजर रख, आसमान में जमीन पे नजर रखो बॉस, लोग ऊपर देख के बहुत चल रहे लोग आजकल, नीचे देखना बेटर है बॉस, नीचे जमीन पे देखना, एकदम सामने दादा, या एकदम सामने दादा, हट वहां से, धूप आने थोड़ा दिखाए क्या ना, रुक जब काम के टाइम पे, काम के टाइम पे गायब हो जाते सब लोग, होती नहीं है, ऑफिस नहीं होगा भैया, इधर भी सेम पोज, इधर 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 अभी कान के बजावा सामने, क्या बात है,
Thanks, boys. Thank you. Jackie, there's a lot of things happening in Raw career, in Tiger's career. आपकी भी Raw अभी जो काफी अच्छा response मिल रहा है audience से, भारत आ रही है. कितना you know, is it overwhelming? You know, so many things happening, or is it good that what is happening? लाइफ है बड़ू, काम आते रहता है, जाते रहता है, करते रहने का, आगे चलते रहने का, समझा ना बड़ू. आएगा, आते रहेगा, लेने का मज़ा, लेने का दूसरा दिन का वेट करने का. आया, आँख खुल गया, हाथ पैर नहीं दुख रहे, फिर निकल लेने का. देखिए दादा, आप हमेशा हमेशा एकदम खुले मिजाज में देखते हैं, क्या इंस्पायर करता है आपको? जिंदगी इंस्पायर करता है, लोग इंस्पायर करते हैं. आजू बाजू देखता हूँ, इतने सारे बेचारे गम है कि अपना गम कुछ भी बहुत कम है भाई. तो मज़े ले लेने का, जब तक हाथ पैर चल रहा है मज़े ले बोल रहा हूँ, फिर बोलेगा. स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का ट्रेलर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. मेरा बच्चे की बात मैं कैसे करूँ बाबा. कैसा लगा ट्रेलर? अच्छा लगा, बहुत बच्चा है मेरा, मैं कैसे बोलूँ कि अपने बच्चे का, मगर मुझे अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग को भी अच्छा लगे, सब बच्चों को पसंद आए, उसका मेहनत है वो किया है. आपका जो ये अलग अंदाज है, आपका एक अलग स्टाइल है, उसके बारे में लोग आपको काफ़ी हमेशा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, काफ़ी सारा प्यार देते हैं, बोलते हैं कि जैकी दादा जैसा कोई है नहीं. हाउ डू यू फील यू नो व्हेन यू गेट सच कॉम्प्लीमेंट? अच्छा, एनर्जी, फुल एनर्जी है, फुल पावर है, फुल पावर 24 आवर, लेते रहने का, खींचते रहने का. मैग्नेट है ना, एक आप में एक मैग्नेट है, आप में आपको टच किया, भाई को टच किया, इनको किया, ये सब ले रह रहा हूँ भाई और दे रह रहा हूँ, तो रेसिप्रोकल चलते रहना चाहिए, जितना ले सकता है, ऐसा नहीं हो कि फुल हो जाए. बट बोलने का मतलब ये है बड़ू कि मेरी औरत को, वो मेरी माशुका उस वक्त थी, छोटी थी बहुत, जब से मैं उनसे बातचीत शुरू किया, मिलना शुरू किया, आई थिंक आयशा श्रॉफ, अभी आयशा दत्त उस वक्त. बिफोर दैट आई वॉज इन लव, मेरे स्कूल में ऑब्वियसली एक लव था, मगर मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मतलब मैं संभाल नहीं सकता था. दूसरी जो थी वो चली गई, बिकॉज संभाल नहीं पाए, मतलब इट वॉज नॉट पॉसिबल. आई कुड मैरी हर बिकॉज आई डेंट हैव मनी, आई डेंट हैव अ प्रॉपर प्लेस वेयर आई कैन कीप माय वाइफ. क्योंकि भाई शादी वादी तो सब ठीक है, बच्चे आने के बाद में गेम चेंज हो जाता है, समझा ना बड़ो. फिर संभालना पड़ता है हर चीज़ का, मेडिकल, हर चीज़ का, एजुकेशन का डब्बू, ये वो सब पैसे बहुत लगते भाई. तो पैसा का मेन गेम था और मैं 40 का लड़का हूँ. तो पहला मेरा इश्क जो था वो तो टूट गया, उसका भी दिल टूट गया, मेरा भी दिल टूट गया. दूसरा जो हुआ बड़ू, वो बोली कि मैं कमाऊंगी और तेरे को संभालूंगी. तो मैं बोला हाँ ये ठीक है, क्योंकि मैं 11वीं पास हूँ, मैं कोशिश करूँगा, थोड़ा हाथ बढ़ाऊँगा, दिन में पोस्टर छिटकाऊँगा, कुछ और करूँगा, दुनिया भर के काम करके पैसे कमा लूँगा. मगर वो भी अनफॉर्चुनेटली बड़ू हुआ नहीं. फिर एक आई, वो बोली कि मैं तुम्हें अमेरिका ले जाऊँगा, मेरे बाप का वहाँ पे होटल वगैरह है. मैं बोला हाँ ये भी सही लग रहा है. फिर मैं बोला नहीं यार, मेरी माँ बाप पुराने हो चुके हैं. मैं बोला नहीं, मम्मी डैडी को मैं उतना दूर नहीं ले जा सकता हूँ. फिर मेरे को कहीं बस में ऐसे लटकती हुई आयशा जी दिख गई और इश्क हो गया. पहले तो बड़ा इश्क से पहले तो प्यार वो हो जाता है कि उफ, उसके बाद इश्क होता है, समझा बड़ो. आप लोगों को शायद उल्टा होता होगा मालूम नहीं है ना. तो वो हो गया, तो वहाँ से जो कहानी हमारी शुरू हुई. और मैं फिर मैं सोचा कि मैं उनके घर में रहूँगा, ऐसे लगा कि वो मुझे संभालेगी और मैं कुछ करूँगा उसके घर में काम. माँ बाप के लिए एक रूम भी देख लिया था उनके बड़े फ्लैट में. तो वो सब हुआ नहीं, मगर उसने अपने घर पर बेची और मेरे को घर दिलाई, जो भी जो उस वक्त की बात उनकी मम्मी ने. और फिर मैं कमाना शुरू किया और जितना संभाल सका संभाला, अब यहाँ तक ले आया गाड़ी को. अभी वही इश्क तो चल ही रहा है, एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, और उतना ही ढील देने का जितना ढील दे सकता वो मेरे को दी उसने. मैं मीनाक्षी जी से लेके माधुरी जी से लेकर सब टॉप एक्ट्रेस, खूबसूरत औरतों के साथ काम किया. सब मेरे प्यारे हैं, सब मुझे बहुत चाहते हैं. और मेरी औरत ने छोड़ दिया 15-15 दिन में, कहीं कश्मीर में हूँ तो कहीं मॉरिशस में हूँ, और कहीं गाना गा रहा हूँ, पढ़ा हूँ. तो मतलब एक बहुत भरोसा रखी और बहुत प्यार दी उसने, और दोनों बच्चों को बड़ा किया अपने प्यार से. और मैं बाहर काम करता रहा, पैसे देते रहे घर पे, और वो अपनी संभालते रही और भरोसा रखी उसने. बाकी क्या, बाकी अभी शादी बैठा हूँ, कितने साल हो, 40 साल तो हो गए. जग्गू दादा, तो कुछ याद है आपको कि रियल लाइफ में तकरीबन कितनी गर्लफ्रेंड थी आपके पास? ये गिनाया तो सही देर को ना बड़ू.
और ऐसे बात नहीं करते अपने गर्लफ्रेंड के बारे में, इतना तो चीप नहीं समझ मेरे को, तू हो सकता है भाई कि कितना गिनाया बिनाया, ऐसे थोड़ी गया, मैं तो बता दिया जो हकीकत थी मेरा, वहाँ से जो शुरू हुआ थी कहानी, गिनाया हाउ चीप आई यू। गेटअप अबे शूटिंग से जा रहा हूँ, शूटिंग छोटे, ये तो ये बहुत सालों से नया कुछ नहीं है तो मैं हमेशा रखता हूँ छोटे, कल पैदा हुआ क्या क्या खुदा जाने, ट्रस्ट आया कि तू कुछ भी पहन, पेंट काला तू भी पहनता है, सफ़ेद शर्ट भी पहनते हैं, रूमाल भी लगाते, सब वही छेबड़ो, अपने आप को पेश कैसा करता है उसके ऊपर है, नाखून साफ रख, कोशिश कर नाखून साफ रख, स्टाइल है तू भाई, तेरे नग साफ है तो समझा कि नहीं, तेरे शौक साफ है क्या भाई, वो सब चेक कर लेने का, किसकी इज्जत करता औरतों की इज्जत कर, जब रोड क्रॉस करता है पुराने तो उनको क्रॉस करा, स्कूटर रुका, ये सारी चीज़ें स्टाइल है भाई, लोगों को इज्जत देना स्टाइल बोलते हैं, कपड़ा ही पहनना थोड़ी स्टाइल होता है बेड़ो, वरना क्या बोलता है, किसी और को भी मिल जाता, सबकी कदर कर, सबकी इज्जत कर, अपने आप को साफ रख, अपने दिल को साफ रख, बाकी समझे। इसके अलावा एक आखिरी सवाल, जो नए एक्टर आ रहे हैं काफ़ी पॉपुलर हैं, लाइक आपकी बेटे की बात करें, आपका वरुण की बात करो, इससे मानते कि सबसे ज़्यादा स्टाइलिश कौन है आपके अंदाज में, जो अपने नाखून साफ रखते हैं, लोगों से मिलते हैं, अच्छी फिल्में देते हैं, जैसा कि आपने कहा। मैं बाकी लोगों को इतने नज़दीक से गौर से नहीं देखा हूँ, अपने बच्चे को देखा हूँ, क्योंकि बाकी के बच्चों के साथ मैं कहाँ उठना बैठना और सोना रहेगा भाई सबके अपने अपने ना तो मेरा उसको देखा हूँ, अब तक तो फिलहाल सही चल रहा है, सही टाइम पे सोता है, वर्जिश करता है, प्राणायाम करता है, अपने काम से अपने काम पे ध्यान रखता है, लोगों की इज्जत करता है, चल रहा है अब तक, बाकी तो ऊपर वाले के ऊपर है भाई। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं अभी, अरे कोई एग्ज़ाम में पास होता है पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, तो कैसा लगता है रे बाप को पता नहीं कि हॉलीवुड वाले अगर कुछ अच्छा रोल मिलेगा तो ज़रूर करूँगा, मतलब आँख बंद और गायब वैसा रोल करने की कोशिश नहीं करूँगा, आँख बंद हो गया और गायब हो गया वैसा रोल नहीं करने का, अच्छा रोल करने का मौका मिला तो ज़रूर करूँगा, चल मैं आता हूँ बड़ो। अच्छा सब लोग इधर ही आ गए, पिक्चर देख रहा था, क्यों तुम लोग जबरदस्ती का अक्कल तो है ना, दो पैसे का अक्कल नहीं, पिक्चर देख रहा उसमें बुला के पब्लिक को इधर बुला लिया, कुछ अक्कल नहीं, सोचना नहीं, हाँ जा जा मैं क्या भाई, श्रेय तो जिनने मुझे इंडस्ट्री में लाया सुभाष जी उनको दूंगा, बाकी माँ की दुआ और अपना काम और आप लोगों का प्यार आप लोग को दूंगा जो मेरे जैसे को एक्सेप्ट करा आप लोगों ने, बाकी क्या बस कान पकड़ता हूँ, जहाँ था वहाँ से कई कदम आगे हूँ, गाड़ने वाले सुभाष जी, उगने वाला मैं, गाड़ने वाले सुभाष जी, उगने वाला मैं, निकल ले। कैसा फील करना चाहिए एक बाप को भिड़ू, उसका बच्चा अगर पास होता है तो तेरा तू भी तो मतलब तेरा पापा खुश होता है ना, एक अच्छा इंटरव्यू आप लेके जाते तो। जैकी सर साल खत्म होने वाला है और कई सारे ऐसे सुपरहिट मूवीज भी इस साल ने इंडस्ट्री को दी है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा दिल को छुआ हो? बहुत सारी अच्छी पिक्चर आके गई भिड़ू, वक्त मिला नहीं देखने का, मैं देखना चाहता हूँ कुछ को देखना, पिंक देखना चाहता हूँ, वेंटिलेटर देखा अच्छा था, देखता हूँ ज्यादा देखूंगा भिड़ू, वक्त नहीं मिल रहा भिड़ू, अनाज उगा रहा हूँ बस, यहाँ वहाँ दोस्तों के फार्म पे चला जाता हूँ और खेती बाड़ी करते रहता हूँ, वहाँ पे वो कनेक्शन भी नहीं रहता है, कम रेडिएशन है भाई। वाह हाँ बिड़ू क्या हाँ हाँ क्यों बे, बारिश में भी तो होती है ठंडी की चीज़ है ना बे, रेडिश है वो सब आएगा ना, अभी कैरेट वेरेट ये सब घुस रहे हो अंदर, गाजर बाजर सब आएगा, बटाटा रतालू। I wish I could answer questions like Jackie। प्रणाम नमस्कार सुभाष जी, साजिद माय ब्रदर आमिर, आप लोग सब
बोलने को ज़्यादा क्या क्या बोलूँ, बेटा है अपनी बच्ची है, बेटा है मेरा, भारी काम किया, मेरे को तो अच्छा लगा. Anyway, thank you everybody for coming, and thanks Sajid for taking care of my son like your own. And I don't know how to say much. Thank you. मेरा पहला दिन बाबा को टेंशन था. मैं सो रहा था. दूसरे जब रिलीज हुई तो वीर सांगवी साहब और रौफ अहमद साहब आए थे. दोपहर का टाइम था, मुझे उठाया, बोले आपकी पिक्चर रिलीज हुई है और आप सो रहे, तो मैं क्या कर लेता. निकल गया गोली. आज काफी इमोशनल मोमेंट है आपके लिए. आपके लिए आपका फ्राइडे ज्यादा नर्वस करने वाला था या टाइगर का फ्राइडे? मालूम नहीं पड़ते. I'm sorry, मालूम ही नहीं actually. अभी तक हिट ही नहीं हुआ है मेरे को कि हीरो बॉस. I'm sorry, I think थोड़ा तो नर्वसनेस रहता ही है, बच्चे का एग्जाम रहता है, रिजल्ट आने वाला होता है वगैरह वगैरह, तो उतना तो नॉर्मल है सबके लिए. तो इस बार सोगे नहीं? I wish I could answer questions like Jackie. Jackie, मैं आ रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए. Jackie, so this time you will not be sleeping on his the Friday when? क्या मालूम, रात को देखता हूँ. नहीं नहीं मिला, मैंने कुछ नहीं बोला. मैं क्या बोला? नहीं, सुबह निकलने के टाइम पे बोला क्या क्या, did I say something? नहीं कुछ नहीं बोला. बिंदास क्या, बिंदास ना बोला बिंदास. सर जहाँ देखो वहाँ एक ही पिक्चर थी सर, आपकी और शाहरुख की सर, उनके बर्थडे पे जो खींची गई थी सलमान. अभी कल मेरी और जवो दादा की पिक्चर होगी. हाँ, कोई शक? शाहरुख खान सर हु हैड अ पिक्चर ऑफ सुल्तान लुक सर ऑन दैट. अरे वी जस्ट हग्ड ईच अदर ना टू विश हैप्पी बर्थडे नाउ. आई शुड हैव शेयर दैट मोमेंट विद यू. But Mr. Khan, sir, you look totally unrecognizable. It looks as if you're totally in character for yourself. Not yet, not yet. I still have another 3 weeks to go for that. आज की 25 कलाकारों ने अपने अवार्ड वापस किया, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? जब उदा बोलेंगे मुझे, सबका अपना अपना स्टाइल एक्सप्रेस करने का. उनके दिल में वो आ रहा है कि उनका अवार्ड दे के एक प्रोटेस्ट करना, उनका उनका हक बनता है ना. हर इंडिविजुअल का हक है कैसा क्या बोलेगा. बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच.